स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे मशरूम के स्पोर के बारे में। मशरूम एज ए होल हम जो जानते हैं वो एक्चुअली एक फ्रूटिंग बॉडी है और उसका काम ही है स्पोर को प्रोड्यूस करना। तो आखिर ये स्पोर क्या है? हम लोग अक्सर सुनते हैं माइसीलियम के बारे में, मशरूम के स्पॉन के बारे में। क्या आपको पता है हम जो मशरूम कल्टीवेट करते हैं उसके लिए जो हम बात करते हैं हमें सीड्स की ज़रूरत होती है या मशरूम के बीज की? एक्चुअली बीज कुछ नहीं होता, ये स्पोर होता है। और जो स्पॉन हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए, दे आर एक्चुअली द वेजिटेटिव पार्ट, वो एक्चुअली माइसीलियम है, किसी ना किसी तरह के सब्स्टेट, जैसे ग्रेन स्पॉन हुआ, सॉडस्ट स्पॉन हुआ। लेकिन स्पोर्स आर द एक्चुअल सीड्स। तो आज हम जानेंगे कि ये स्पोर एक्चुअली क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं और इनका क्या वजूद है, इनका कारण क्या है और हम इसका कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि किसी तरह से आप किस तरह से घर पे खुद मशरूम के स्पोर को कलेक्ट करेंगे, उसको फील करेंगे और किस तरह से मशरूम के स्पोर से और भी मशरूम्स बनाए जा सकते हैं या फिर स्पॉन जो है फर्दर बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आसान भाषा में, सीखने की कोशिश करते हैं, तो मशरूम जो है अगर हम एक उसके कंपैरिजन करें तो हम उसको किसी पेड़ या फिर हम एप्पल ट्री से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो एप्पल होता है, जो सेब होता है ना, वो जस्ट लाइक होता है मशरूम। तो मशरूम का क्या काम है, जैसे एप्पल का क्या काम है, एप्पल से ताकि उसके सीड्स निकले और उस सीड से फर्दर फिर से पेड़ बन सके, इसीलिए एप्पल का इस वजूद में उसकी सृष्टि होती है। तो इट्स काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो मशरूम का भी यही काम है कि मशरूम जो है अपने मैच्योर जो फ्रूट बॉडी है, जिसमें जो उसका ऊपर का पोर्शन होता है उसको नॉर्मली कैप बोला जाता है, और उसके नीचे के जो पोर्शंस होते हैं वो गिल्स होते हैं। इवन दो अलग अलग मशरूम के गिल्स दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप देख सकते हैं कि जो गिल्स पोर्शन है इसमें इस तरह से लंबे लंबे लाइन्स बने हैं। नॉर्मली यही से हमारे सारे स्पोर्स निकलते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये भी जस्ट बीज ही है, पर ये इतने छोटे हैं इसलिए इनको स्पोर्स बोला जाता है। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये सिर्फ मशरूम्स ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स और बैक्टीरियाज, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। पर मशरूम्स जो है ये स्पोर्स आखिर कैसे फैलाते हैं? ये जो स्पोर्स हैं ये चारों तरफ वातावरण में फैलता है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, इंसेक्ट के माध्यम से, इंसानों के माध्यम से। और जब ये स्पोर इंडिविजुअली आपस में मेट करते हैं और कोई कंडक्टिव इन्वायरमेंट होता है, इनको सटीक आद्रता जलवायु मिलती है या कोई सब्सटेट मिलता है, तो ये फर्दर माइसीलियम फॉर्म करते हैं। और यही माइसीलियम का सफ़र फिर शुरू होता है, जिससे फिर प्राइमोर्डिया बनता है, उसके बाद फिर ये मशरूम जो है बनने लगता है। प्राइमोर्डिया मतलब पिनहेड्स। तो जिस तरह से एक सीड से सीडलिंग और उसके बाद एक प्लांट्स और फिर वो यंग प्लांट, ये जीवन चक्र चलता है, ठीक उसी तरह से मशरूम का भी स्पोर से माइसीलियम। माइसीलियम जो है एक्चुअली हम बोले तो एक पेड़ जैसे होता है, सिमिलर अगर कंपेयर करें तो मशरूम की जगत में माइसीलियम होता है। अब जब उसको सटीक समय आता है, जब उसको लगता है कि हाँ अब उसके लिए पर्यावरण और उसका वजूद अभी सही है, तो वो अपना मशरूम प्रोड्यूस करता है। तो स्पोर की जानकारी किस लिए इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये स्पोर जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और ये स्पोर ही है जिसके कारण से ये मशरूम्स निकलते हैं। मशरूम स्पोर के लिए निकलते हैं। अगर हमें पता होगा कि स्पोर कैसे निकलते हैं तो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और काफ़ी सारे मशरूम्स हैं, मेडिसिनल मशरूम जैसे गैनोडर्मा, इनके तो स्पोर्स को कलेक्ट किया जाता है, बाकायदा इन्हें कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और जिनसे हम फर्दर दवाइयाँ बना सकते हैं। तो स्पोर्स के काफ़ी प्रकार के यूज़ होते हैं, जैसे कंटेमिनेशंस होता है, कई बार हमारे एक ही फार्म में दो तीन प्रकार के मशरूम्स भी निकलने लग जाते हैं, कई बार अनवांटेड मशरूम्स जैसे इंक कैप निकलने लग जाते हैं। तो वो भी किस लिए आते हैं, कई बार ये स्पोर के वजह से, क्योंकि जो स्पोर्स हैं ना मशरूम्स के, ये इतने हल्के होते हैं कि एयर में, हवा में तैर सकते हैं, हवा में ही ये फ्लक्चुएट करते हैं और ये बहुत निकलते हैं, दिन रात निकलते रहते हैं। एक मशरूम्स का जो फ्रूटिंग बॉडी है कंटिन्यूसली स्पोर प्रोड्यूस करता रहता है। और आपको हैरत होगा ये जान के कि ये जो स्पोर है इसकी लाइफ भी बहुत बड़ी है, ये कई बार तो 100-100 सालों तक भी एक ही जगह पे ज़िंदा रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सह सकते हैं, कोल्ड भी सह सकते हैं। तो स्पोर जो है इनको जानना बहुत ज़रूरी है, माइक्रो लेवल में मशरूम की स्टडी करना भी ज़रूरी है। चलिए, वैसे तो स्पोर हम इंसानों से दिखते नहीं इजीली क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इवन दो कुछ मशरूम्स हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि स्प्लिट गिल मशरूम या फिर ओस्टर मशरूम में फ्लोरिडा मशरूम, कई बार आप देखेंगे कि मशरूम के नीचे से वाइट वाइट मकड़ी के जालों जैसा या फिर
लंबे लंबे इस तरह के धागे जैसे रहते हैं, ये भी स्पोर होते हैं। ये स्पोर इतने ज़्यादा निकलते हैं कि कई बार एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर कुछ कुछ कमर्शियल फार्म में तो जो एग्जॉस्ट फैन हैं या पंखे होते हैं कई बार घूमना बंद हो जाते हैं, इतना स्पोर इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखते हैं हम घर में किस तरह से एक मशरूम को कलेक्ट करके उसे स्पोर हम प्रोड्यूस करके उसे कैसे लाइव देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी लेनी है और उसको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक डार्क जो है डब्बा मिला मुझे, मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया, पर आप इसको किसी भी चीज़ में कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे पेपर हो प्लास्टिक हो। तो इस मशरूम का जो गिल्स वाला कैप, जो गिल्स वाला पोर्शन है, ये हमने इसको रख दिया और इसको हमने 12 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब 12 घंटे बाद का नतीजा हम चेक करेंगे। देखिए ठीक 12 घंटे बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मशरूम है इसने पूरे डार्क सरफेस में स्पोर जो है इजेक्ट किए हैं। स्पोर इतने कंटिन्यूसली निकले हैं कि एक पूरी की पूरी लेयर जम गई है। देखिए कितने कमाल का है ये स्पोर। हम जब इसको कलेक्ट नहीं करते हैं तब भी इतने ही निकलते हैं, चारों तरफ रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक मशरूम फार्म में निकलने के बाद दूसरे फार्म में जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि ये स्पोर्स आपके साथ हमेशा फैल रहे हैं। और एक फार्म कंप्लीट होने के बाद क्यों हमें उसको वॉश करना चाहिए, आप देखिए स्पोर जो है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप हाथ से तक फील कर सकते हैं, ये काफ़ी स्मूथ है क्योंकि ताज़ा है, धीरे धीरे सूख भी जाता है। तो ये जो मशरूम का स्पोर है ये प्लेरोटस ओस्टेटस है जिसका मैंने स्पोर इसका कलेक्ट किया है, पर आप किसी भी मशरूम का स्पोर इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये कितने देर तक ये इसका स्पोर निकल सकता है। तो जब ये एक बार इसने स्पोर निकाल दिया उसके बाद हमने क्या किया, इसको वापस से दूसरे एंगल से इसको रख दिया कि चलिए देखते हैं कि आखिर और कितना निकलेगा। 12 घंटे तो बीत गया है, कितना इसमें स्पोर निकालने की क्षमता है। ये एक जो फ्रूटिंग बॉडी है जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो जाए तब तक देखिए स्पोर प्रोड्यूस करता रहता है। ये मशरूम सूख गया है रह के और 12-14 घंटे बीत गए हैं, पर देखिए दूसरी तरफ भी इसने पूरा स्पोर प्रोड्यूस कर दिया और ठीक गिल्स जैसे हैं उसके हिसाब से दाग जमा हो गए हैं। तो जो मशरूम्स हैं काफ़ी कमाल के हैं, ये कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन करते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, इनमें से जो है वेपर निकलता रहता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके स्पोर्स भी कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। आप इस तरह से किसी भी मशरूम के स्पोर कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बटन मशरूम हो। देखिए इसके सारे स्पोर प्रिंट हैं, अलग अलग मशरूम की पहचान भी हम उसके स्पोर प्रिंट से कर सकते हैं। जैसे एक वैरायटी अभी हमने ओस्टर देखा, उसका स्पोर प्रिंट वाइट था, इसका ब्राउन है। तो बहुत सारे हम लोग जो टॉक्सिक मशरूम होते हैं उनके भी हम पहचान स्पोर प्रिंट से कर सकते हैं। बटन मशरूम का स्पोर जो है इस तरह से आपको इसको रखना है और 12 घंटे के बाद आप इस तरह का एक राउंड सा इसमें सर्कल देख पाएंगे। तो मशरूम्स एक्चुअली बहुत प्रकार के हैं। स्पोर्स की खासियत मैं आपको एक दो चार चीज़ और बताता हूँ। ये जो स्पोर है इसको नॉर्मली हम कलेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, और जो कि डेक्सट्रोस से बनता है, पोटैटो डेक्सट्रोस सॉल्यूशन से बनता है, हनी से बन सकता है। बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट लिक्विड मीडियम होते हैं जिसमें स्पोर को नॉर्मली डाला जाता है बहुत ही स्टेराइल इन्वायरमेंट में, और धीरे धीरे वहाँ पे माइसीलियम फॉर्म करता है, फिर उसी को इंजेक्ट करके हम फर्दर उसको पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में उसके माइसीलियम को या तो बढ़ा सकते हैं या सीधा वहाँ से स्पॉन बना सकते हैं। तो मशरूम का जो स्पॉन है या तो टिश्यू कल्चर से बनता है या स्पोर से, तो ये एक तरीका है जिस तरह से हम स्पोर जो है इकट्ठा करते हैं और उससे स्पॉन बनाते हैं। एक और ख़ास बात जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली चाइना में या एशियन कंट्रीज़ में, स्पोर से भी डायरेक्टली मशरूम कल्टीवेट किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड ब्रॉथ प्रोड्यूस करते हैं, एक रिच न्यूट्रिएंट मीडियम होता है लिक्विड का, जिसमें वो लोग मशरूम को डाल देते हैं, जहाँ से 12-14 घंटे में बहुत सारा स्पोर जो है कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसको वो लोग मशरूम का जो लेयर होता है, जो पेडिस्ट्रा हुआ या जो भी उनका सबस्टेट है, उसमें वो लोग पूरा स्पोर से इंजेक्टेड पूरा का पूरा जो लिक्विड है उसको वहाँ पर डाल देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, और उसमें धीरे धीरे वहाँ पे माइसिलियम फॉर्म होने लगता है और वहाँ से मशरूम निकलता है। इसकी नॉर्मली ओपन एयर में ही कल्टीवेशन की जाती है इस पद्धति से। तो स्पोर जो है काफ़ी कमाल की चीज़ है और मशरूम्स भी काफ़ी कमाल हैं और बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल के हैं। और आप चाहे तो इसकी आसानी से
15-20 दिन एक महीने के अंदर इसकी उपज कर सकते हैं, इसको मार्केटिंग करके बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट ला सकते हैं, क्योंकि मशरूम जो है टोटली ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो भी चीज़ में उगता है, जो कि हम नॉर्मली फेंक देते हैं या जला देते हैं, उसी को हम लोग वापस से यूज़ करते हैं। फर्दर जब मशरूम निकल जाता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको भी वापस से हम लोग वर्मी कंपोस्ट या सिंपल सॉयल में इस्तेमाल करते हैं। तो मशरूम जो है एक्चुअली अर्थ का क्लींजिंग मटेरियल है। और एक्चुअली अगर ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो हमारे पृथ्वी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनफैक्ट जो लाइफ की सृष्टि है, ये बिना मशरूम के पॉसिबल नहीं थी। एक्चुअली जो फंगी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्लांट्स नहीं रह सकते, एनिमल्स नहीं रह सकते। इस विषय में हम डिटेल में फर्दर बात करेंगे अपने आने वाले वेबिनार में, जिसके लिए आप bmushroom.com में जाके जुड़ सकते हैं। और एक और बात, आप जो है मशरूम घर बैठे सीख सकते हैं। आपको अगर मशरूम उगाना है तो आप स्पॉन परचेस करना चाहते हैं, सिंपल bmushroom.com में जाइए, वहाँ पे स्पॉन का ऑर्डर कीजिए। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप हमसे जुड़िए। हमारे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सब कुछ आपके लिए है। और कभी भी कोई भी डाउट है आप हमें बताइए, आप कमेंट में लिखिए आपको फर्दर और क्या जानना है। और अपकमिंग वेबिनार में मिलते हैं। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको कुछ जानने में मिलता है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। हैप्पी मशरूमिंग। थैंक यू।